और अब कुछ और देसी बने के तैयारी बा और एकर नाम है धोखा। सही कहनी ना? ठीक कह तारू, एकर नाम धोखा बा। एकरा के धोखा काहे कहल जाला? धोखा एकरा के ऐसे कहल जाला कि जे भी एकरा के खाई उ पहचान ना सकेला कि कौन चीज के हा। हाँ। और कुछ कुछ स्वाद एकर मछली नियर लागी। हाँ, हाँ, हाँ। वेज फिश विथ ग्रेवी एकरा के बोल सकत हन। वेज फिश विथ ग्रेवी रोवा बोल सकी ना। बाकी धोखा नाम में कुछ बात बात चली। कॉपी पेन लेके नोट कर ली। काहे कि शांति जी बताई हैं कि दाल के धोखा में का का पड़ेला। जी बताई। सबसे पहले चना के दाल ले लेनी 200 ग्राम दाल बा। भिंगा देनी पहले, रात भर भींग गई एकरा के छान लेनी। छान के मिक्सी में थोड़ा सा पानी दे के एकर पेस्ट बना लेनी। ओकरा बाद जीरा, एवरेस्ट के हींग चाहिए जो निजा रखल बा, हम अपना सुविधा खातिर कटोरी में निकाल के रख ले बानी। थोड़ी धनिया पत्ता, थोड़ा सा रिफाइन चाहिए, फिर नमक, थोड़ा सा एवरेस्ट के कश्मीरी लाल मिर्च, खड़ा साबुत लाल मिर्च, अदरक और मिर्ची वाला पेस्ट, थोड़ा सा तेज पत्ता, एवरेस्ट के गरम मसाला, हल्दी, पोस्तू और काजू के पेस्ट। तो तैयारी हो गई बा, अब बताई कैसे बनेला दाल के धोखा। हाँ तो देखो, सबसे पहले हमनी के गैस जला के बा, ओकरा बाद थोड़ा सा रिफाइन डाला तनी। अगर कोई के रिफाइन नहीं पसंद तो तेल में भी बना सकता। जब तक तेल गरम हुई तब तक हमने के में जो सामान डाले के बाद वो मिला लेवे के। तो में अब हमने के डाल जाए थोड़ा सा नमक, तो उसके बाद में थोड़ा सा हल्दी डाले अंदर से तीखा करे खातिर चटकदार थोड़ा। तो में थोड़ा सा अदरक और मिर्ची वाला पेस्ट डाल दिए। अब एक रा के एक साथ मिला दिए। अब एक रा के इनमें पलटी कर दिए। एक रा के छौके की जरूरत नहीं है? ना, अभी छौके की जरूरत नहीं, एकदम सीधा तेल में। हाँ, मेरा के चलावत रहे के बाद न तो एक तरफ से बैठ जाए। हाँ। फिर एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसमें अब थोड़ा सा ऑयल लगाए के। हाँ, चिपकी ना। देखिए कितना बढ़िया से घटा गए बा और एकदम चिपकत नहीं के। अभी तैयार हो गई एकदम? हाँ एकदम तैयार हो गई। अब एकरा के थाली में पलटी करके एकरा के थोप देवे के बाद। अच्छा। एकरा के तनी से हाथ में तेल लगा के पहले थोप देवे के। अब जब तक थोड़ा सा ठंडा हुई, काटे में पीस आसान रही, तब तक अब हमनी के तेल थोड़ा सा डाल के गरम कर लेवे के। तेल डाल के एकरा में अब एकर पीस काट काट के डाले के हुई। वाकई में बहुत जल्दी इसे रह गई गैस के उतार ले और थोपते ही जैसे ही थाली में एकरा के फैलावल गए बहुत जल्दी 2 मिनट में ही ठंडा हो गए भाई। ये भी तुरंत बनेला। ऐसे भूख लागल तो बच्चा सब दू दू चार चार पीस ऐसू लेके खा लेवे सन। अगर एक थोड़ा और बड़ा बड़ा पीस काट के फ्राई करा तो लगे कि मछलियाँ ओकरा खातिर जैसे में काजू के और पोस्तों के पेस्ट बना, उनमें सरसों लहसुन टमाटर के पेस्ट। बाकी रउआ तो ये पोस्तों दे रहा बानी। हाँ, इसमें हम लहसुन प्याज नहीं दे ले। अब जैसे ही लाल हुई तक तनी पलटी कर दिया एकदम फटाफट। और सबसे बढ़िया बात कि इतना बढ़िया ही घाटल बा कि एकदम टूटत नहीं है। वाह का सुनहरा रंग और उतने बढ़िया महक। अभी तैयार हो गए, अब एकरा के निकाल लेवे के। और वह कहनी कि एकरा के फ्राई करते ही बच्चा लोग खूब पसंद से खाए। खाए वो खा के तब तक हम ग्रेवी के तैयारी करता नहीं। तो इसमें थोड़ी सा पहले जीरा डलाई फोरन खातिर। अब एकरा में थोड़ा साबुत, एगो दूगो जगह तीखा ज्यादा पसंद बस ज्यादा। हाँ। ना तो ऐसी दूगो मिर्चा। अब एकरा में थोड़ा सा एवरेस्ट के हींग जरा से एक फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। एवरेस्ट हींग, सही खुशबू सही स्वाद। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये अदरक मिर्ची और जीरा के पेस्ट पेस्ट। हाँ। अब एकरा में फ्लेवर खातिर तेल में भी डाल सकते और ऊपर से भी। हाँ, हाँ। थोड़ा कर फ्लेवर आई। हाँ। उसे में तेज पत्ता डाल देंगी। अब एकरा में एक काजू और पोस्तू के पेस्ट। कितना क्वांटिटी में काजू और पोस्तू लेवे के बाद? जैसे 200 ग्राम के दाल के बनता जी, तो ग्राम 25 ग्राम पोस्तू 25 ग्राम काजू। बराबर बराबर पोस्तू और काजू रखी के बाद। अब देखा ये में सब पड़ गई भुना गई। अब एकरा में लास्ट में थोड़ा सा एवरेस्ट कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। एवरेस्ट कश्मीरी लाल, एवरेस्ट के 3 लाल, खाना बने कमाल। मसाला भी तैयार हो गए। अब एकरा में थोड़ा सा एवरेस्ट के गरम मसाला डालो। एवरेस्ट गरम मसाला लाइट में डालो, थोड़ा गरम मसाला। हाँ, अब देखा ये भुना गए अच्छा से। अब एकरा में पानी डाल दिए जोन मसाला इसमें डाल के भी बा इसमें पानी डाला धो के मैं पूरा डाल दिया। अच्छा, तो ओकर ग्रेवी गाढ़ा गाढ़ा आ जाए। अब देखा अभी थोड़ा मसाला खोल जाए पक जाए अच्छा से। पक तो गई बस थोड़ा और पक जाए। अभी स्वाद अनुसार पहले हमने के नमक डाल देवे के। अब देखा कितना अच्छा है में कलर आ गई देख रहा बड़ू ना। अब एक थोड़ा सा ढक दा जल्दी से पक जाए। वाह शांति जी माने के पड़ी
रोवा के पास भी एक से गुड़ गुड़ पारंपरिक व्यंजन बा, खूब सीखनी रोवा बड़ लोग से। हमने तो पहले अपने सीखले बनी अपना माई से सास से जौन भी सीखले बनी अब बनाई ले। देखा अभी हो गए तैयार ग्रेवी, अब एक में ओकरा के डाल देवे के बा। ये बढ़िया बढ़िया लजीज व्यंजन एकरा सामने फेल हो जाइए, इतना बढ़िया पोस्तो और काजू के ग्रेवी के महक आ रहा है। सब एकरा में ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता हम डाल दें। ओहो क्या रंग, एकर रंग तो एकदम ललचा रहा के बस जल्दी से ही मिले और चावल के साथ सपा सप एकरा के मजा ली। बहुत बढ़िया रंग तैयार भेल बा। अब हो गल देखा तैयार, अब एकरा के पलटी कर देता नहीं निकाल के। दाल के धोखा बनावे के विधि, सबसे पहले भीजल चना की दाल पीस ली, ओमे नमक हल्दी अदरक मिर्चा के पेस्ट डाल के मिला ली और एक पैन में रिफाइन तेल डाल के ओके डाल दी और चलावत रही। जब मिश्रण टाइट हो जाए तो एक प्लेट में निकाल के प्लेट के शेप तक हाथ से थोप दी और ठंडा करे के बाद बर्फी नियन काट ली। अब एक पैन में तेल डाल के एक सुनहरा होखे तक तल ली। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके ओमे जीरा खड़ा मिर्चा हींग हल्दी पाउडर अदरक मिर्चा के पेस्ट तेज पत्ता काजू पिस्ता के पेस्ट डाल के भून ली। अब लाल मिर्च गरम मसाला और पानी डाल के ग्रेवी तैयार करी, ओमे नमक डाल के ढक दी। अब ग्रेवी में बेसन के बर्फी और धनिया पत्ती डाल के गर्मा गर्म सर्व।